हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग असम सेट एग्ज़ाम की आंसर को देखेंगे जो 13 मार्च एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे ये रहा। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द प्रोपोजिशन। तो बनानास एंड ऑरेंजेस आर स्वीट एंड डिलीशियस, ये कौन सा करेक्ट है निम्नलिखित में से? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ध्यान से सेंटेंस को देखा है तो आप लोगों को देखा जाएगा कि एंड ये जो शब्द है इससे ये ज्वाइन हुआ है, राइट। तो देखो, ये बनानास एंड ऑरेंजेस, और देखो स्वीट एंड डिलीशियस, तो यहाँ पर एंड का सिंबल क्या है? डॉट। तो देखो, फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज बनाना एंड एक्स इज ऑरेंज देन एक्स इज स्वीट एंड एक्स इज डिलीशियस, राइट। यही होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो, यह पर इधर और की तो कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो भेल का तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो देखो, देयर इज़ ओनली वन पुरुषो अकॉर्डिंग टू शंखो, क्या ये सही है? ऑप्शन बी, पौतित्व समुत्पादवादो इज ए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या ये सही है? ऑप्शन सी, अभिहितान्वयवाद इज सपोर्टेड बाय प्रभाकर, क्या ये सेंटेंस सही है? या फिर ऑप्शन डी, अद्वैत वेदांत सपोर्ट्स विवर्तवाद। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, अद्वैत वेदांत सपोर्ट्स विवर्तवाद। और देखो, अभिहितान्वयवाद ये सपोर्ट प्रभाकर ने नहीं किया है, ये कुमारिल भट्ट ने सपोर्ट किया है, राइट। और पौतित्व समुत्पादवाद ये तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं है, ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। और अकॉर्डिंग टू शंख, पुरुषो वन नहीं है, पुरुषो इज मैनी, करेक्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट सिम्बोलिक फॉर्म ऑफ द सेंटेंस एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर स्वीट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर स्वीट, इसका सिम्बोलिक फॉर्म कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि जो एंड शब्द है उसका सिंबल डॉट है, राइट। तो यहाँ पर देखो, फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज एप्पल एंड एक्स इज ऑरेंज देन एक्स इज स्वीट, राइट, यही होगा। तो देखो, ऑप्शन ए, फॉर ऑल एक्स If x is apple and x is orange, then implies x is sweet, right? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉज ऑफ थॉट। तो निम्नलिखित में से कौन सा लॉज ऑफ थॉट नहीं है? तो लॉज ऑफ थॉट्स कितने हैं? तीन टाइप्स के हैं, और वो कौन कौन से हैं? देखो, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, राइट, यही है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ नेगेशन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है तो फिर भी हम इसको देखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू गिल्बर्ट राइल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कैटेगरी मिस्टेक। तो गिल्बर्ट रायल के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा कैटेगरी मिस्टेक्स होते हैं? तो देखो, ऑप्शन ए, द कैट इज ऑन द मैट। अब ऑप्शन बी, देयर इज ए वर्ल्ड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस एम्पिरिकल वर्ल्ड। ऑप्शन सी, सैटरडे इज ऑन द बेड। या फिर ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंटेंट्स फैकल्टीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हॉस्टल्स और एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, गिल्बर्ट रायल के अकॉर्डिंग कैटेगरी मिस्टेक्स होते हैं ये सैटरडे इज ऑन द बेड इस सेंटेंस पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, तो लिस्ट वन में है रैशनलिज्म, इमोटिविज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और प्रेस्क्रिप्टिविज्म,
और लिस्ट टू में इनका जो प्रोपाउंडर है बहुत सारे दिया हुआ है, तो देखते हैं हम इसको लास्ट से देखेंगे। तो देखो प्रेस्क्रिप्टिविज्म ये किसने प्रोपाउंड किया है, ये तो आर एम हेयर ने प्रोपाउंड किया है, राइट। तो डी को टू से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ऑप्शन सी यूटिलिटेरियनिज्म ये किसने दिया है, ये मिल ने दिया है, राइट। और इमोटिविज्म ये तो ए जे ए आर, और रेशनलिज्म ये कांट ने दिया है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैच द कॉलम में लॉजिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो लिस्ट वन में है पी अनलेस क्यू, पी इफ़ क्यू, नॉट बोथ पी एंड क्यू, और बोथ नॉट पी एंड क्यू, और लिस्ट टू में इसका सिंबल दिया हुआ है। तो पहले हम ये देखेंगे कि नॉट बोथ और बोथ नॉट के डिफरेंस क्या है। तो देखो नॉट बोथ मीन्स पहले नॉट आएगा उसके बाद बोथ होगा, राइट। और बोथ नॉट मीन्स दोनों ही नेगेशन है बट अलग अलग, राइट। तो देखो सी नॉट बोथ पी एंड क्यू मीन्स नेगेशन पी डॉट क्यू, राइट। तो सी को टू से मिलाओ तो देखो दो ऑप्शन है ए और सी। अब देखते हैं डी बोथ नॉट पी एंड क्यू ये किसके साथ मैच होगा, नेगेशन पी डॉट नेगेशन क्यू, राइट। तो डी को थ्री से देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखो पी इफ़ क्यू मीन्स क्यू इम्प्लाइज पी, राइट। और पी अनलेस क्यू नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, राइट, यही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट वन में है देखो थॉमस हॉब्स, रूसो, जे एस मिल और बेंथम, राइट। और लिस्ट टू में है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, और देखो यूटिलिटेरियनिज्म, स्टेट ऑफ नेचर और जनरल विल। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया है कि जे एस मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को दिया है, प्रोपाउंड किया है, राइट। तो सी को टू से मिलाओ, और बेंथम का एक फेमस कोटेशन है वो कौन सा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, राइट। तो देखो डी को वन और सी को टू, तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो रूसो ये तो जनरल विल के बारे में बताया है, राइट। और थॉमस हॉब्स ने तो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यह पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट वन में है फ्रेगे, रसेल, क्रिपके, उडगनस्टाइन, और लिस्ट टू में है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन द सो एंड सो, ओरिजिनल बैप्टिस्मल सेरेमनी और फैमिली रिजेंबलेंस। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो आप लोगों को ये दिखाई देगा कि फैमिली रिजेंबलेंस ये उडगनस्टाइन के अंदर आते हैं, राइट। तो डी को फोर से मैच करो तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन वन, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो फ्रेगे ये तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, राइट। और रसेल द सो एंड सो, और क्रिपके ये ओरिजिनल बैप्टिस्मल सेरेमनी हो जाएगा, राइट। ये भी अपने कॉपी पे लिख लो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट वन में है साइको एनालिसिस, प्रैग्मेटिज्म, कोरेस्पोंडेंस और फेनोमेना एंड नोमेना, राइट। और लिस्ट टू में है रसेल, सिगमुंड फ्रॉयड, कांट और सी एस पीयर्स। तो देखो साइको एनालिसिस मतलब ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। और साइकोलॉजी से रिलेटेड फिलोसोफर कौन सा है, सिगमुंड फ्रॉयड है। तो ए को टू से मिला तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देखो प्रैग्मेटिज्म ये तो सी एस पीयर्स से रिलेटेड है, राइट। और कॉरेस्पोंडेंस ये तो रसेल से रिलेटेड है, और फेनोमेना एंड नोमेना ये कांट से रिलेटेड है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट द प्रोमिनेंट सोफिस्ट ऑयर, तो ख्यातनामा सोफिस्ट फिलोसोफर्स कौन सा था। तो ऑप्शन ए ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस, ऑप्शन बी सोक्रेटिस एंड प्लेटो, ऑप्शन सी प्रोटागोरस एंड जॉर्जियस, या फिर ऑप्शन डी एनाक्सागोरस एंड थेल्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी प्रोटागोरस एंड जॉर्जियस। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। और सोक्रेटिस एंड प्लेटो ये तो नहीं होगा, राइट। क्योंकि देखो यह से तो एक अलग सा
युग शुरू होता है, सोक्रेटिक पीरियड शुरू होता है, राइट। और ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस ये तो एटोमिज्म है, और एनाक्सागोरस और थेल्स ये तो एंशियंट का फर्स्ट एज है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन सी प्रोटागोरस एंड जॉर्जियस ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उस समय में और बहुत सारे सोफिस्ट फिलोसोफर थे लाइक प्रोटागोरस, जॉर्जियस, हिप्पियस, राइट, प्रोडिकास, थीसीमेकास, राइट, और भी बहुत सारे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट वन में है पतंजलि, कपिला, कोनाद और गौतमा, और लिस्ट टू में है शंखो, वैशेषिका, जोगा और नया। तो देखो पतंजलि तो जोगा फिलोसफी को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ए को थ्री से मिला तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन सी, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देखो जो गौतमा है वो तो नया फिलोसफी को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो डी को फोर से भी मिला सकते थे। और कोनाद ये तो वैशेषिका फिलोसफी है, और कपिला ये तो शंख फिलोसफी है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट वन में बुक्स का नाम दिया हुआ है, और लिस्ट टू में उनका जो राइटर्स है वो सारे दिया हुआ है। तो देखो नया सूत्र ये किसने लिखा है, ये तो गौतमा ने लिखा है, राइट। तो ए को टू से मिला तो देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ए, बी और डी, राइट। और देखो सांख्यकारिका ये किसने लिखा है, ये तो ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। तो बी को वन से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और प्रमाण समुच्चय ये किसने लिखा है, ये दिग्नांग ने लिखा है, और ब्रह्मसूत्र ये तो बादरायण ने लिखा है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट वन में है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, राइट। और लिस्ट टू में है निम्बार्का, रामानुजा, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य। तो देखो अद्वैत वेदांत ये तो शंकराचार्य ने एक्सेप्ट किया है, राइट। और विशिष्ट अद्वैत वेदांत ये रामानुज ने एक्सेप्ट किया है। तो ए को फोर और बी को टू, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, राइट, ए फोर बी टू। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो शुद्धाद्वैत ये किसने दिया है, ये वल्लभाचार्य ने दिया है, और द्वैताद्वैत ये निम्बार्काचार्य ने दिया है, राइट। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसर्शन देखो एस तो ये गाधा नहीं है, ठीक है, एस मीन्स एसर्शन, ओके। तो एसर्शन में क्या बोला है, पेशेंट शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द डॉक्टर, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और रीजन में क्या बोला है, द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, ये भी बिल्कुल सही है, और इसका रीजन भी करेक्ट है। तो देखो पेशेंट शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द डॉक्टर बिकॉज द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, राइट। तो ये गाधा सत्य है, सॉरी गाधा नहीं है, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट वन में है लॉक, ह्यूम, बार्कले और कांट, और लिस्ट टू में उनका कुछ आइडियाज़ दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो देखो कांट ये तो कोपरनिकन रिवोल्यूशन को दिया है, राइट। तो डी को थ्री से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखो लॉक ये तो आइडियाज़ फर्स्ट नोन एज पार्टिकुलर इम्प्रेशन ऑफ द सेंस, यही होगा, राइट। और ह्यूम द नोशन ऑफ सब्सटेंस इज ए फिक्शन ऑफ द माइंड, राइट, यही है। और देखो जो बार्कले है उन्होंने तो सेंसिबल थिंग्स हैव नो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। तो देखो ए टू, बी फोर, सी वन और डी थ्री, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट वन में है मोनिज्म, ड्यूअलिज्म, प्लुरलिज्म और सॉलिप्सिज्म, राइट। और लिस्ट टू में है स्पिनोजा, डेकार्ट्स, लाइबनिज और बार्कले, ये तो सही सही मैच किया हुआ है, राइट। तो मोनिज्म ये स्पिनोजा, ड्यूअलिज्म डेकार्ट्स, प्लुरलिज्म लाइबनिज और सॉलिप्सिज्म ये बार्कले। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है, तो लिस्ट वन में है प्लेटो, एरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टाइन और हेराक्लिटस, और लिस्ट टू में है पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, प्रॉब्लम ऑफ इविल, फ्लक्स इज द रियलिटी और एलेगोरी ऑफ द केव। तो प्लेटो के साथ तो एलेगोरी ऑफ द केव मैच होगा, राइट। तो ए को फोर से मैच करो, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो एरिस्टोटल, ये तो पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, और सेंट ऑगस्टाइन ये तो प्रॉब्लम ऑफ इविल, और हेराक्लेटस ये तो फ्लक्स इज द रियलिटी, राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है, तो लिस्ट वन में है आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स, एनालॉजिकल प्रेडिक्शन, बंडल थियोरी ऑफ सेल्फ, और लास्ट में है इविल एज प्राइवेशन ऑफ गुड, और लिस्ट टू में है ह्यूम, सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और लाइबनिज। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है, तो ये आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स ये लाइबनिज के अंदर आते हैं, राइट। तो ए को फोर से मिला, तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है ए और बी, राइट। और देखो सी, बांडल थ्योरी ऑफ सेल्फ, ये बांडल थ्योरी किसने दिया है, ये तो ह्यूम ने दिया है, राइट। तो सी को वन से मिला, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो एनालॉजिकल प्रेडिक्शन ये कौन सा होगा, ये थॉमस एक्विनस होगा, और इविल एज प्राइवेशन ऑफ गुड ये किसने कहा है, ये सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है, ओके। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है, तो लिस्ट वन में है यूटिलिटेरियनिज्म, इड्यूमोनिज्म, मोरल रेशनलिज्म और प्रेस्क्रिप्टिविज्म, राइट। और लिस्ट टू में है एरिस्टोटल, सिडविक, हेयर और कांट। तो प्रेस्क्रिप्टिविज्म ये किसने दिया है, आर एम हेयर ने दिया है, राइट। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया आज के सेशन में। तो डी को थ्री से मिला, तो देखो यहाँ पर दो है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, राइट। और देखो ऑप्शन सी मोरल रेशनलिज्म ये तो कांट है, राइट। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है। अब देखो यूटिलिटेरियनिज्म ये सिडविक होगा या फिर एरिस्टोटल, तो बेस्ट ऑप्शन है सिडविक, राइट। और यूडाइमोनिज्म ये किसने दिया है, ये एरिस्टोटल ने बोला है, तो बी वन और ए टू। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और जितने सारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आप फटाफट से सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़ाई करिए। जय हिंद।